हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रवि यादव सर, फिजिक्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, डायरेक्शन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। आई होप यू ऑल गाइस प्रैक्टिस वेल ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडे लेक्चर वी डिस्कस अबाउट फर्दर न्यूमेरिकल ऑन डायरेक्शन ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड राइट, न्यूमेरिकल आपका थर्ड, द सेंटीमीटर फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल मे डिपेंड अपॉन मास एम वेलोसिटी वी एंड रेडियस आर ऑफ द सर्कल डेराइव द फॉर्मूला for F using the method of dimensions. So students, first read the question carefully. The centripetal force CPF, centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass m, velocity v and radius r of the circle. Derive the formula for F using the method of dimension. So प्यारे बच्चों, numerical समझ में आ गया होगा। So आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और अब अपने numerical को अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर आप अपने जो आपने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन के साथ मैच कीजिए, ठीक है। सो बच्चे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, क्लियर, और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अब अपने न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो भाई, हमने आपसे कहा था कि बेटे ये जो वर्ड है ना, मे डिपेंड अपॉन, इससे पहले जो भी वर्ड होगा वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, और मे डिपेंड अपॉन उसके बाद एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी टर्म है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सभी को आप राइट करेंगे। सो कौन डिपेंड कर रहा है भाई, फोर्स किस किस पे कर रहा है वो आप देखो। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, मास पे, वेलोसिटी वी पे एंड रेडियस आर पे, क्लियर कर रहे बच्चों, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, जब आप इस साइन को रिप्लेस करेंगे ना, कॉन्स्टेंट ऑफ, यहाँ पे जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट आप यूज करेंगे, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू के एम वी आर, के इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्लियर करें बच्चों। फिर हम क्या करते हैं, हम इनके एम के, बी के और आर के क्या रख लेंगे, डायमेंशन। ए बी एंड सी आर द डायमेंशन ऑफ एम बी एंड आर, और मान लीजिए ये आपका हो गया इक्वेशन फाइव। सो प्यारे बच्चों, रूल में आपको हमने कहा था जो आपका सेकेंड जो स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आप लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ साइड क्या पुट करेंगे, डायमेंशन। सो नाउ राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड,
ठीक है। सो प्यारे बच्चों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था भाई, फोर्स का डी था एम वन एल वन टी माइनस टू, क्लियर। के आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सो के एज इट इज एम, बेटे एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। तो ये क्या बनेगा, एम वन का डायमेंशन ए, ठीक है। उसके बाद वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी का डी है एल वन टी माइनस वन, डायमेंशन क्या होगा बी। बेटे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस। सो रेडियस का डीएफ क्या होगा, रेडियस का डीएफ क्या होगा भाई आर, ठीक है। रेडियस लेंथ का मेजरमेंट, सो क्या होगा एल वन, डायमेंशन हो गया सी। सो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि आप तीनों में सबसे पहले एम को चेक कीजिए, फिर एल को, फिर टी को। सो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, एम वन एल वन टी माइनस टू। सो प्यारे बच्चों फर्स्ट पे एम, फर्स्ट में आपने चेक किया ए हो गया, सेकंड में एम नहीं है, थर्ड में एम नहीं है, एम कंप्लीट। नाउ पिक एल, फर्स्ट में एल नहीं है, सेकंड में है, क्या हो गया बी। बेटे थर्ड में, थर्ड में है, प्लस का क्या हो गया सी, क्लियर। नाउ पिक टी, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, माइनस का बी, थर्ड में नहीं है, क्लियर प्यारे बच्चों। ये आपके पास फॉर्मेट हो गया। सो देखो एम एल टी के फॉर्म में आपको बना लेना है। अब प्यारे बच्चों यहां भी एम एल टी है, यहां भी एम एल टी है, एम को एम से इक्वेट कीजिए, एल को एल से इक्वेट कीजिए, टी को टी से इक्वेट कीजिए, आपके पास इसके वाले जाएंगे ए बी एंड सी के। सो इस कंसेप्ट को आप नाम देते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटे मैंने आपसे कल भी कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीनिंग होता है कि जब आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में मास लेंथ और टाइम के डायमेंशंस को क्या करते हैं इक्वेट, वो जो प्रिंसिपल आपका होगा वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्लियर। सो प्यारे बच्चों जब आपने मास को मास से इक्वेट किया तो आपके पास ए की वैल्यू क्या बनी भाई, ए की वैल्यू आपको क्या मिली, वन मिल गई, ए की वैल्यू आपको कंसिडर हो गया। बेटे जब आपने L को L से इक्वेट किया सो B प्लस सी की वैल्यू आपको क्या मिली, B प्लस सी इज इक्वल टू वन। बेटे जब आपने T को T से इक्वेट किया सो माइनस का B इज इक्वल टू माइनस का टू। सो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो B की वैल्यू क्या हो गई टू। B की वैल्यू जब आपने यहां पे पुट की सो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, सो प्यारे बच्चों सी इज इक्वल टू माइनस वन, ये वैल्यू आप यहां पर लेके आए हो, मीनिंग आ रहा है समझ में। अब आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और क्या है सी की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को कहां पे पुट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी है। देखो प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में जब ए बी सी के वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एम वी आर। सो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू क्या है, वन, वन आ गया यहां पे, वन हो गया आपका। बी की वैल्यू क्या है टू, सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, ठीक है। सो प्यारे बच्चों आप इसको कैसे राइट करेंगे, F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर और R यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, मीनिंग आ रहा है समझ, ठीक है। F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे के आपका डायमेंशन लेस क्या है कॉन्स्टेंट। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपने इससे पहले भी न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं, ये के आपका यहीं पे कॉन्स्टेंट उठ जाता है। के की कोई भी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन हमें डायमेंशन फॉर्मूला से नहीं मिलती है, इसका मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूले का एक क्या बन गया, लिमिटेशन बन गया कि डायमेंशन फॉर्मूला डो नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, क्लियर। सो ये आपका होगा फाइनल आंसर, F इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन R। और प्यारे बच्चों नाइन्थ क्लास में आपने स्टडी भी किया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्ट क्या होता है, एम स्क्वायर अपॉन R। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई आपका फॉर्मूला राइट है या फिर रॉन्ग, तो इसको चेक करके देखते हैं, चेकिंग करते हैं इसका, चेकिंग या चेकिंग द करेक्टनेस। चेकिंग द करेक्टनेस ठीक है ऑफ द गिवन फॉर्मूला।
सो बेटे LHS फिट कीजिए, LHS में आपके पास क्या है F, सो F का डीएफ क्या होगा M1 L1 T माइनस टू, RHS फिट कीजिए, RHS में क्या है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सो प्यारे बच्चों M का डीएफ M1, B B का होगा L1 T माइनस वन और इसका क्या होगा स्क्वायर, R का क्या होगा L1, सो RHS 16 आपने किया सो आपके पास क्या आया M1 L1 T माइनस टू, वी सी दैट LHS इक्वल टू RHS, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, आपने जो फॉर्मूला बनाया वो बिल्कुल क्या है राइट फॉर्मूला है। सो प्यारे बच्चों अब आपने जो सॉल्यूशन किया था उस सॉल्यूशन से इसको मैच करके देखिए, फिर देखिए कहां पे आपने गलती की, आप बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, क्लियर, अच्छे से सॉल्व करके इसको नेक्स्ट में रिवीजन करते हैं। फिर इसके बाद बेटे न्यूमेरिकल को समझना है, टाइप को समझना है, पता नहीं चीजों को, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसी टाइम कंसल्ट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट मेडिकल देखते हैं तब तक, प्यारे बच्चे कॉपी हो गया रफ कर देते हैं हम इसको, ठीक है, और अपने नेक्स्ट मेडिकल पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आवर नेक्स्ट मेडिकल इज मेडिकल नंबर फोर, लिसन केयरफुली, कैलकुलेट द डाइमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है स्मॉल पी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन बेटी सरफेस टेंशन का सिंबल देखो आप एस भी यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, आप सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहां पे सरफेस टेंशन के सिंबल को क्या मान लेते हैं एस मान लेते हैं, क्लियर, सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वी डेंसिटी रो डेंसिटी ऑफ डी मान ली डेंसिटी डी, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डेंसिटी डी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एज फंडामेंटल यूनिट्स, फ्रीक्वेंसी न्यू एज फंडामेंटल यूनिट्स, देखो बच्चों ध्यान से, प्यारे बच्चे सबसे पहले आप क्वेश्चन पत्र से रीड कीजिए, आपसे कहा कह रहा है कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी एंड सरफेस टेंशन एस इन टर्म्स ऑफ, बेटे देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मे डिपेंड अपॉन वर्ड को आपको देखना है, यहाँ पे मे डिपेंड अपॉन वर्ड आपके पास यूज नहीं हुआ है, उसने क्या यूज किया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, सो प्यारे बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है वो एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है, ये दो न्यूमेरिकल एक साथ आपको दिए जो कि आपको दो पार्ट में सोल्व करने हैं, फर्स्ट टाइम आपको लीनियर मोमेंटम को इन सभी के साथ लेना है, सेकेंड केस में सरफेस टेंशन को इन सभी के साथ लेना है, समझ में आ रहा है,
यानी ये जो न्यूमेरिकल है वो सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है, ये टू पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम को डिपेंड करेंगे इन सभी पे, सेकंड में हम सरफेस टेंशन को डिपेंड करेंगे इन सभी पे। क्लियर। सो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन वन हमने लिया क्योंकि इसमें दो पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम लीनियर मोमेंटम को इन सभी के काउंट करते हैं। सो आपने रखा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस पे भाई, वेलोसिटी वी, डेंसिटी डी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। प्यारे बच्चों ये वेलोसिटी वी है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये ध्यान रखना, ऐसे सिंबल डिफरेंट है, ठीक है। सो और नेक्स्ट है ए बी, बी को ऐसे काउंट कीजिए, डी न्यू डायमेंशन ए बी सी, और ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद किया आपका है डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। सो प्यारे बच्चों और नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, ठीक है, राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। बेटे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, M1L1T-1 कॉन्स्टेंट के। बेटे v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। अच्छे से नोट कर देते हैं यहाँ पे, v आपका वेलोसिटी, ठीक है। सो प्यारे बच्चों वेलोसिटी का डी है L1T-1, उसका डायमेंशन a। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम M1L-3 डायमेंशन b, और प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी 1/ टाइम पीरियड, सो T-1 डायमेंशन c। एनी प्रॉब्लम, क्लियर। सो प्यारे बच्चों नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज इन द फॉर्म ऑफ M, L and T, क्लियर। M1, L1, T-1 एडिटिव। सो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने पिक किया एम, तीनों में चेक करो भाई, फर्स्ट में है नहीं है, सेकंड में है, यहाँ पे आ गया पी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में नहीं है, फिर आपने पिक किया एल, बेटे एल फर्स्ट में है भाई के, सेकंड में है -3 भी, थर्ड में है नहीं है। फिर आपने पिक किया टी, फर्स्ट में है -A, सेकंड में है नहीं है -C, हो गए भाई। अब प्यारे बच्चों इस साइड आपका MLT, इस साइड भी आपका MLT, तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, M को M से इक्वेट किया, B की वैल्यू 1, L को L से इक्वेट किया, A-3B की वैल्यू 1, T को T से इक्वेट किया, -A -C = -1, मीनिंग क्लियर। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों जब आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया, सो आप देखिए आपने M को M से इक्वेट किया, सो प्यारे बच्चों B की वैल्यू क्या मिली आपको 1, ठीक है। L को L से इक्वेट किया, A-3B की वैल्यू आपको क्या मिली 1। अब प्यारे बच्चों जब आपने टी को टी से इक्वेट किया, -A -C = -1, क्लियर। बेटे बी की वैल्यू यहां से यहां ले आओ, यहां लेके आओगे तो A-3 = 1, सो प्यारे बच्चों ए की वैल्यू क्या हो गई 4, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे आपने ए की वैल्यू 4 रखी, -4 -C = -1, सो प्यारे बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो सी की वैल्यू क्या आएगी -3, क्लियर है ना भाई। बेटे इसको यहां लेके आएंगे तो प्लस होगा, -4 + 1 - 3, और सी घर जाके क्या हो गया प्लस, सी की वैल्यू क्या हो गई -3। ये आप चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब करना क्या है, ए बी सी के वैल्यू को किसमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट वीक है। देखो प्यारे बच्चों
अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इधर क्या बनेगा, देखो भाई लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू के वी डी न्यू, बेटे ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 1, बेटे सी की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। सो ये आपका होगा आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम, नोट इट डाउन केयरफुली एंड जिन स्टूडेंट का एक क्वेश्चन हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे, किसको अप्लाई करेंगे सरफेस टेंशन को, फिर हम इसको करते हैं, कॉपी कीजिए बच्चे इसको, ठीक है। So, S is equal to K, V, D, rho. क्लियर बेटे, फॉर्मेशन हो गया, ये वेलोसिटी और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, इसको आपने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। सो सिमिलर वे में आप राइटिंग करेंगे डायमेंशन ऑन बोथ साइड, राइटिंग बेटे अच्छी तरह समझना है, पेन बिल्कुल स्टॉप हो सभी का, किसी का पेन ना चले गलती से भी, पूरा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, बेटे सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। सो इट मीन्स इसका जो डीएफ बनेगा वो आपके पास बनेगा M1L0T-2, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है M1L1T-2, सो एल से हो जाएंगे कैंसिल आउट, कि आपका एलिटी वेलोसिटी का सेम कंसेप्ट L1T-1 डायमेंशन ए, डेंसिटी M1L-3 डायमेंशन बी, फ्रीक्वेंसी T-1 डायमेंशन सी। बेटे किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के